तो ये अभी इंटरलॉक कलियों से कर रहे हैं और ये सारे अलग अलग बॉडी बूडी होते हैं, बाजू बूजू सारे जोड़। लेडीज का ऑर्डर होगा, उस लेडीज का ऑर्डर पे हम ये पैक करके पैकिंग एरिया में सारा कुछ मैनेज मैं ही करता हूँ इस चीज को। सो हे गाइस, व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द 30 आर्मी ब्लॉग। सो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे ब्लॉगिंग चैनल में। सो गाइस, अभी मैं हूँ अपनी फैक्ट्री में जहाँ पे मैं काम करता हूँ। यहाँ पे मैं अभी ऑफिस में थोड़ा काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री आप लोगों को पूरा दिखाऊंगा कैसे क्या होता है। तो अभी मैं ऑफिस में थोड़े पीस लगा रहा था, यहाँ नीचे बहुत पड़े हैं तो दिखाता हूँ। पीछे अभी माल पड़ा है बहुत सारे, मैं हूँ और मेरे उस्ताद है मेरे, यहाँ नीचे माल पड़ा बहुत सारा, अभी ये लगाएंगे। तो अभी भैया हमारे माल लगा रहे हैं, ये सारा बिखड़ा पड़ा है, जल्दी से लगाते हैं फिर आप लोगों को नीचे चल के दिखाते हैं पूरा प्रोसेस कैसे क्या बनता है। ये खाने हैं पूरे, यहाँ पे पूरे फूल रख रखे हैं। सो जल्दी से लगाते हैं माल, फिर चलते हैं नीचे दिखाते हैं आप लोगों को। सो गाइस, सारे पीस लगा चुका हूँ, देख लो। सो ये सारे अपने अपने आर्टिकल के हिसाब से हमने लगा रखे हैं पीस, या अनारकली सारे अपने आर्टिकल के हिसाब से सारे खाने लग रखे हैं। तो सारे पीस लगा दिए हमने, अभी फ्री हो गए, नीचे जाएंगे आप लोगों को दिखाएंगे कैसे क्या होता है। और ये ऑफिस है हमारा, यहाँ का सारे पीस लग गए। तो चलते हैं नीचे, वहाँ का आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस समझाता हूँ। ये पूरी फैक्ट्री यहाँ की नीचे की, और ये हमारे मास्टर जी हैं जो कटिंग करते हैं, पूरी फैक्ट्री संभालते हैं। और ये इधर कारीगर बैठे हैं जिनने आर्टिकल कटते हैं, ये मास्टर जी काटते हैं। और जो आर्टिकल कटते हैं वो सारे कपड़े यहाँ पे रख रखे हैं, ये दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये सारे कपड़े रख रखे हैं जितने आर्टिकल कटते हैं। तो ये अभी मास्टर जी हमारे कटिंग कर रहे हैं, और कारीगर जितनी कटिंग होती है ये कटिंग रख रखी है, सारी ये कारीगर बनाते हैं। कटिंग करने के बाद सारे जितने आर्टिकल बन जाते हैं फिर ऊपर जमा कर देते हैं। मैं दिखाता हूँ चल के ऊपर का आप लोगों को, नीचे का बता दिया। कटिंग करने के बाद कारीगर बना देते हैं पूरा पीस, अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे ये लोग पीस बनाते हैं। तो ये अभी इंटरलॉक कलियों से कर रहे हैं, और ये सारे अलग अलग बॉडी बूडी होते हैं, बाजू बूजू सारे जोड़ते हैं, ये अभी जोड़ रहे हैं। तो सारे लोग लगे पड़े हैं अपना अपना काम करने में। तो दिखाता हूँ आप लोगों को ऊपर, यहाँ पे जो पीस बन जाते हैं ऊपर ले जाते। सो ये हमारा ऑफिस है यहाँ पे भैया का, और जितनी जो सारे पीस बूस नीचे बनने के बाद यहाँ ऊपर आके जमा कर देते हैं। ये सारे पीस पड़े हैं, ये सारे यहाँ पे, ये ऊपर आके इनके धागे काट कटते हैं, फिर उसके बाद इनको प्रेस करके यहाँ पे अंदर पैकिंग के लिए दे दिया जाता है। तो आप लोग ये पीस दिखाते, तो ऐसे पीस पूरे बन जाते हैं। अनारकली क्रेप होते हैं, अनारकली होते हैं क्रेप होते हैं, तो अलग अलग डिजाइन के बनते रहते हैं। ये पूरा पीस है, तो इसका पूरा धागा कट के फिर ये प्रेस होने के बाद वहां पे पैकिंग के लिए दे दिया जाता है। तो वहाँ जहाँ पैकिंग होती है वहां का भी एरिया दिखा देता हूँ। ये तो प्रेस का एरिया है, और नीचे का कटिंग जहाँ पे कटिंग होती है सिलाई होती है पूरा वो दिखा दिया। और ये अपना मेन ऑफिस है जहाँ पे पूरी पैकिंग करते हैं। तो यहाँ मैं बता दूं, यहाँ पे लैपटॉप में इसकी लिस्टिंग होती है जहाँ पे मीशो और फ्लिपकार्ट में पैक करके दिए जाते हैं, और जो पैक करते हैं लेबल निकालते हैं इन लिफाफों में पैक करके, पूरे पैक करके इन डब्बों में डाल देते हैं। यहाँ पे हम लोग पूरा ये डब्बे हैं, यहाँ पे ये जब पीस पूरा प्रेस होके आ जाता है तो हम लेबल इनके अंदर डाल देते हैं। ये लोग जहाँ पे जाते हैं लोकेशन यहाँ पे भर रखी होती है पूरी इनकी, ये यहाँ पे हम लोग ये जो डब्बे दिख रहे हैं इनके अंदर सारी पिकअप भर देते हैं। फिर दूसरे बंदे आते हैं यहाँ पे अपने ऑफिस से, इन्हें लेने के लिए ले जाते हैं अपने अपने लोकेशन पे, इसे दे दिया जाता है। तो यहाँ पे अपना लैपटॉप है जहाँ पे हम लोग पूरी लिस्टिंग करके मीशो या फ्लिपकार्ट की लेबल निकाल के उन्हें पैक करते हैं। और ये अपने खानों में अपने अपने आर्टिकल के पीस रखे पड़े हैं। सो गाइस, ये हमारे भैया हैं जो कि ऑफिस के पूरे संभालते हैं। आप लोगों को दिखाता हूँ, पूरा प्रोसेस बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे। तब आज फ्रेंड्स कैसे, जैसे कि आप पहले तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और दबा के शेयर करिए, ठीक है। मेन चीज हम जिसपे हमने ब्लॉग बनाया है हम आपको चीज दिखाएंगे कि हमारा ये फ्लिपकार्ट मीशो जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है, मीशो और फ्लिपकार्ट, ठीक है, और एक नेक्स्ट आने वाला है शॉपी,
ठीक है, इस पर भी हम काम करेंगे। तो हमारा मेन प्रोसेस हमको दिखा सारा कुछ आपको वीडियो में सारा A-1 to Z से लेके सब कुछ A-Z से लेके सबको आपको दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि क्या प्रोसेस होता है, कैसे क्या कुछ है सब कुछ। पहले तो हम शूट करवाते हैं वीडियो फोटोज जिसपे हम मीशो पे डालते हैं, कैटलॉग्स बना के उस पर डाला जाता है। और हमारा ये सिस्टम है जिसपे हमें लेबल निकाला जाता है, जिसका जिसका जैसे ऑर्डर आएगा उसको हम लिस्ट बना के प्रॉपर लिस्ट बनाई जाती है किस आर्टिकल के कितने ऑर्डर्स हैं। तो नीचे हम मास्टर को देते हैं, मास्टर के पास कटिंग होती है, कटिंग होने के बाद टेलर के पास जाता है, टेलर के पास जैसे सिलाई होती है, सिलाई होने के बाद जैसे प्रिपेयर होकर ऊपर आता है तो हम यहाँ पर हमारे प्रेसिंग एरिया पे आता है, प्रेस होता है, बटन सारा कुछ होने के बाद हमारे पास आता है। जैसे कि ये पीस आया हमारे पास, तो ये जिस पीस का जिस बंदे का ऑर्डर होगा, जिस लेडीज का ऑर्डर होगा, बंदे का सॉरी, जिस लेडीज का ऑर्डर होगा उस लेडीज का ऑर्डर पे हम ये पैक करके उसके यहाँ दिया जाएगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पे बॉक्सेस रखे हुए अलग अलग सारे, ये हैगा हमारा एक्सप्रेस पीस का आ गया, ईकॉम आ गया, डिलीवरी आ गया, हम इन हर एक पार्टनर्स के हमने अलग अलग बॉक्सेस बनाए हुए हैं। तो हम उस पार्टनर को पैक करके यहाँ पर डाला जाता है पैकिंग में, पैकिंग एरिया से, ये हमारा पैकिंग एरिया है मेन, ठीक है, पैकिंग एरिया में सारा कुछ मैनेज मैं ही करता हूँ इस चीज को, ठीक है, इसमें डाला जाता है। डालने के बाद तो कुरियर पार्टनर आता है, इसको लेके जाता है वन बाय वन, जैसे डिलीवरी हो गया, ई कॉम हो गया, एक्सप्रेस हो गया, फ्लिपकार्ट का भी है, सारा कुछ सबका अलग अलग है। तो यहाँ पे आके अपने वो पिकअप करते हैं, पिकअप करने के बाद वो ऑफिस ले जाते हैं, वहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है किस इस एरिया में किस किस का हैगा, जैसे जैसे जाता है सब डिवाइडेड किया जाते हैं और आपके पास पहुंचाया जाता है, ठीक है। जैसे कि हमारा सब कुछ है मेन क्रेप का काम है, ठीक है, सारा कुछ हमारा मेन हैगा, हमारे पास हेल्पर सब कुछ है। मेन चीज है आपको अगर हमारा कोई प्रोडक्ट मंगाना है तो मेन हम डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर दे दिया जाएगा, प्लस फ्लिपकार्ट और मीशो इन पे किसी भी आपको डालना है, फॉरएवर यंग और RV के नाम से हमारा अकाउंट है, तो हमारे प्रोडक्ट्स उस पे आपको नाम डालेगा हमारे ब्रांड का, तो तुरंत आपको सारे नीचे हमारे आर्टिकल्स जितने भी हैं आपके पास आएंगे, मैक्सिमम जो भी कम से कम रेंज आपको दी जाएगी, इससे कम रेंज में आपको कहीं नहीं मिलेगा। बाकी चेक कर सकते हैं हमारे पास एक्स्ट्रा स्मॉल से लेके 7XL तक सारे साइजेस हैं, हर एक आर्टिकल में हर एक आपको कोई भी साइज मिल जाएगा। बट आपको मीशो या फ्लिपकार्ट पे कोई नहीं मिलता तो हमारा नीचे दिया गया नंबर पे हमें कॉन्टेक्ट करके हम आपको पहुंचाएंगे, ठीक है, थैंक यू। सर जैसा भैया ने बोला आप लोगों को जो भी आर्टिकल पसंद आता है उसके सारे साइज मिल जाते हैं। सो अगर आप लोगों को नहीं मिलता कुछ कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा उससे कॉन्टेक्ट कर लेना। सो भाई जो प्रोसेस है यहाँ का हमारे भैया ने बता दिया पूरा प्रोसेस आप लोगों को, अगर आप लोगों को यहाँ से कुछ बाय करना है तो फ्लिपकार्ट और मीशो में आप लोगों को मिल जाएगा, फॉरएवर यंग और RV के नाम से, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आप लोगों को, जहाँ पे फ्लिपकार्ट और मीशो पे आप सर्च करोगे तो इस नाम से तो आ जाएंगे आप लोगों अगर बाय करना है। और मैं ये दिखा दूंगा आप लोगों को, यहाँ पे आप लोगों को हर तरह के आर्टिकल मिल जाएंगे उसमें, फ्लिपकार्ट और मीशो में देखोगे सारी आर्टिकल देखने को मिल जाएंगे। सो ये पूरा एरिया है पैकिंग का और प्रेस का एरिया तो दिखाई दिया। तो यहाँ पे जो जो आर्टिकल बनते हैं सारे आर्टिकल अलग अलग रखे हुए हैं यहाँ पे, फिर प्रेस हो जाते हैं। तो ये रेड बटन है, जैसे ये अनारकली है, ये अनारकली है, ये हो गया अपना क्रेप रेड बटन का, और ये अलग अलग सारे क्रेप रखे पड़े हैं तो अलग अलग छांटने पड़ते नीचे से आके छठे हो जाते हैं, फिर इनके धागे कट के प्रेस कर दिया जाता है। ये सारे अलग अलग आर्टिकल रख रखे हैं। सो गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों को यहाँ का ये फैक्ट्री कैसी लगी और आप लोगों ने कुछ बाय किया या नहीं किया। सो गाइस मिलते हैं आप नेक्स्ट ब्लॉग में।